सिली गर्ल, जो तुम्हारे साथ इतना बड़ा अनर्थ क्यों, इतना बड़ा धोखा दिया। अरे 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 बहन जी, गुदगुदी हो रही है, गुदगुदी। अरे मेरे बहन जी बोलिया, पापी मैं थारी बहन जी को नहीं, थारी जोरू तू जोरू। अरे मैं तो आपको जानता तक नहीं, हमारी शादी कब हुई, और वैसे भी मामा के होते हुए हो गई शादी। ओए ठहरो, क्यों मामा, के वचन दिया था हमने पूरे गांव के सामने कि छोरी तू बड्डी हो जा, जब तने लेवाड़ आवेंगे। अरे थारो रस्तो देख देख के इतनी बड्डी होगी मैं, और कितनी बड्डी हो जाऊं। हाँ इशिका बोल, क्या ये लड़की सच बोल रही है? अरे ये छुट्टो के बोलेगा, सच्चाई और सबूत दोनों अपने साथ लेके आई हूँ साथ। ये देखो देखो देखो, ये मैं, ये मेरे वो, और ये वो मामो। उदय भाई, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरी बहन ने शादी कराई थी, अब मुझे क्या पता कि बरसों के बाद यहाँ आ टपकेगी। मुझे लगता है कि भगवान की भी यही मर्जी है। भगवान नीचे आकर बोले थे, तुम्हें ऊपर बुलाया था। सुगुरु सेठ, नीचे हमारी मर्जी चलती है और फैसला भी हम ही करते हैं। ए चुप, ए ले जा ले जा। अरे यहाँ पे हमारे कोई इंसाफ दिलाने आया, कोई है? इंसाफ तो तुम्हें यही दिला सकते हैं, यहाँ सबसे बड़े यही हैं। कंट्रोल उदय। अरे मैं तो अंधी थी, अंधी। अकबर बादशाह हमारी अखा के सामने बैठे, मने सीखा कोनी। चिल्ले लाही। का मतलब क्या? जिले इलाही का मतलब पूछ गया उसे। हे कलयुग के अकबर, मैं थारे सामने झोली फैलाकर अपने सुहाग की भीख मांगू, और अगर थारे से ना हो सके तो तुम्हारे पास जान देने के सिवा कोई रास्ता कोनी। रुको लड़की, इंसाफ होगा, हम करेंगे इंसाफ। इंसाफ हो चुका है भाई, इसको उठाकर बाहर फेंकने का। मजनू ये मत भूलो, अभी हम जिंदा हैं। उदय, एक तरफ तुम्हारी बहन है और उसकी खुशियां हैं, और दूसरी तरफ इस लड़की के आंसू। एक तरफ तुम्हारी बहन की सगाई है और दूसरी तरफ इस लड़की का सुहाग। इंसाफ यही कहता है कि इस लड़की का पलड़ा भारी है। ये मंगनी नहीं हो सकती। अरे उदय भाई, इस बेचारी की क्यों मार रहे हो? अरे मेरा तो जी चरा आरडीएक्स सर के सर में सारी गोलियां ही ठोक डालूं, लेकिन साला उससे भी क्या फायदा होने वाला है? तीन तीन बार छह छह गोलियां खाने के बाद भी वो होश में आ जाते और उल्टे सर बोलते अभी हम जिंदा हैं। मर गया, मर गया। उस साली छोकरी ने जिले लाही क्या बोल दिया? अपने आप को सीरियसली अकबर आजम समझने लगे और हमारी बहन को बना दिया अनारकली। मजनू, बचपन में मेरा बाप मेरी उंगली पकड़ के मंदिर लेके जाता था। मंदिर की दीवार पर एक बात लिखी थी, इंसान को अपने बुरे कर्मों की सजा इसी जिंदगी में भुगतनी पड़ती है। बचपन की सभी यादें धुंधली हो गई, लेकिन वो दीवार की बात अभी तक यहां चिपकी पड़ी है। मुझे लगता है मेरे पाप ही मेरी बहन की खुशियों के आड़ यार। इशिका, तुम सिर्फ इनकी साली ही नहीं हो, राजीव की एक अच्छी दोस्त भी हो, ये क्या किया तुमने? दीदी, मुझे तो बताया गया था कि रिश्ता जोर जबरदस्ती की वजह से हो रहा है, जीजाजी ने झूठ बोला मुझसे। वाह अंकल, ये सो कूल। इतना प्यार छिड़क कर फूल सुंघाया कि मैं अपनी बर्बादी पर ही हंसता रह गया। आपको जब ये रिश्ता मंजूर नहीं था तो सीधे मना कर देते, इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? ये मेरा ड्रामा नहीं है भांजे, ये मेरी मजबूरी है। मैंने तुम्हारी माँ को वचन दिया था। वचन दिया था? मेरी बहन ने एक ही गलती की, एक मुजरिम घराने में शादी,
और उस गलती की उसने जिंदगी भर सजा भुगती। मौत भी ऐसी दर्दनाक आई बेचारी को, एड़िया रगड़ रगड़ के मरी। उसने तुम्हें मेरे हाथों में सौंप कर कहा था कि भैया मेरे बेटे पे जुर्म का साया तक नहीं पड़ना चाहिए, मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है, मुझे एतराज है रिश्तेदारों से। आपको इस रिश्ते से नहीं रिश्तेदारों से एतराज है। अगर संजना के भाई साहब जुर्म का रास्ता छोड़कर शरीफ इंसान बन जाए तो उदय शेट्टी जी अंकल उदय शेट्टी। अगर ऐसा हुआ ना बेटे तो मैं खुशी खुशी तेरा हाथ संजना के हाथों में दे दूंगा और तुम्हारी शादी में मैं नाचूंगा सच। लेकिन अगर तू उसे सुधार नहीं पा तो जिस लड़की को आप राजीव के लिए पसंद करेंगे ना अंकल, उसका हाथ मैं अपने हाथों से राजीव के हाथ में दूंगी और उसकी शादी में मैं नाचूंगी भी। अबे पागल हो गए क्या? मैं फिल्म का डायरेक्टर नहीं बनने वाला। अरे छोटे छोटे बच्चे मेरे यार, मेरी बीवी को अनाथ कराओगे क्या? सर सर आप ही समझाइए। अरे क्या समझाऊं, मैं खुद प्रोड्यूसर नहीं बनने वाला। अंडरवर्ल्ड डॉन, उदय शेट्टी हीरो, नकली नकली फिल्म की शूटिंग, अरे उसे पता चल गया तो असली असली गोलियां चल जाएंगी। गोलियां नहीं चले अंकल, इस बात की मैं पूरी कोशिश करूंगी। कोशिश 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 मतलब यहाँ पे गारंटी को कहते हैं, कोशिश मतलब गारंटी। और सारी तैयारियां हो चुकी है सर, सुनील शेट्टी साहब भी मान गए। सुनील शेट्टी जी? सुनील शेट्टी साहब इसी होटल में ठहरे। अच्छा? उनको जब हमने अपनी प्रेम कथा बताई तो उन्होंने कहा ओके ठीक है, मैं सुनील शेट्टी, ये संजना शेट्टी और वो उदय शेट्टी, और उनको सुधारना है तो मैं तैयार हूँ। और सब कुछ ठीक है यार, लेकिन उदय भाई की नजरों में तुम शादीशुदा हो, उसका क्या करोगे? वो भी मैं भैया को समझा दूंगी कि ये इनके मामा जी की चाल थी। बस बात खत्म। अरे आजिए भाई, वेलकम। अरे सुनील शेट्टी भी है। हाँ वही तो हीरो है। राजीव तुम्हारे डायरेक्टर दोस्त से कहकर भैया को सुनील शेट्टी से मिलवाओ ना। अरे इसमें क्या बड़ी बात है ना। देखिए सर, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बाउंड स्क्रिप्ट के बगैर मैं ये फिल्म नहीं करूंगा। अरे स्क्रिप्ट तैयार है भाई। कहाँ है स्क्रिप्ट? यहाँ है। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनील शेट्टी साहब, उदय शेट्टी, शेट्टी सर। उदय शेट्टी। अच्छा अच्छा, एक एक करते। नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? आपको शक है मेरी काबिलियत पे? अरे नहीं नहीं सर, आप तो ग्रेट डायरेक्टर हो, जीनियस हो आप, लेकिन मैं लेकिन लेकिन कुछ नहीं, कल से आप मेरे साथ शूटिंग कर रहे हैं वरना यू आर आउट ऑफ द फिल्म, दैट्स इट। ठीक है सर, आपकी मर्जी सर। बार बार सेट रहा है। नहीं, आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है आप मेरे साथ काम नहीं करेंगे तो मैं छोड़ पा जाऊंगा? अरे जाइए आप, जाइए। आप आपके बिना फिल्म बनेंगे? ये क्या किया आपने, जब कोई स्टार नहीं होगा तो फिल्म कैसे बनेंगे, कहाँ से लाएंगे? अरे लाएंगे, कहीं से भी लाएंगे, सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा मैं, सड़क। इधर आओ। अरे तुम, हाँ उधर देखो, देखो देखो चश्मा लगा, अच्छा लगे। Now you are my hero. मिल गया सर। सर। अरे ये क्या कर रहे हैं? ये काम नहीं कर सकते। क्यों? क्यों नहीं कर सकते? अरे इन्हें कहाँ एक्टिंग आती है? ये तो अपना बिजनेस शूटिंग। यहाँ के नहीं कैमरा है, और इस कैमरे ने आपके अंदर के कलाकार को पहचान लिया है। सही कह रहा हूँ मैं? एक्चुअली मैं बताओ ना। एक्चुअली भैया को बचपन से ही फिल्मों में काम करने का शौक था। भाई साहब एक मिनट साइड में आइए। एक्सक्यूज मी, आप क्या कर रहे हैं? इस आदमी को नहीं झेल सकते। क्यों? अरे पागल है, कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था सुनील शेट्टी साहब से। मगर मुझसे थोड़ी सह लेंगे थोड़ा सा। अरे उसमें क्या है, आपके पास वक्त है इस काम के लिए? इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है।